कल क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहले ये सेंटर में है, मध्य में है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश बोलते हैं, हृदय राज्य भी बोलते हैं मध्य प्रदेश को। ये सेंटर में, इसके अलग अलग उपनाम भी है, हृदय प्रदेश बोलते थे, नदियों का मायका है, सोयाबीन प्रदेश है, टाइगर स्टेट, ये इसके नाम हो गए थे। जैसा कल पढ़ा था आप लोगों ने, अगर रिवीजन किया हो तो। स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी, राजधानी भोपाल है, संस्कार राजधानी जबलपुर को बोलते हैं, सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन को बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को बोलते हैं, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को बोलते हैं, आर्थिक व खेल राजधानी इंदौर को बोलते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प सफेद लिली है, पक्षी दूधराज है, नित्य राई है, नाट्य माच है, पशु बारहसिंगा है, वृक्ष बरगद है, मछली महाशीर है, खेल मलखम है, मलखम के में प्रभात जोशी सम्मान दिया जाता है। उज्जैन में अभी मलखम अकेडमी की स्थापना हुई है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से निकलती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकलती है, जिसमें रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल है। भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो 21 डिग्री 6 सेकंड से 26 डिग्री 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश पे है, और पूर्वी देशांतर पर 74 डिग्री 9 सेकंड और से 82 डिग्री 48 सेकंड पे है। तो ये तक अभी तक हमने पढ़ा था मोटा मोटा। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है, कोई बताएगा? सर 230। 230। एमपी पढ़ रहे हैं, एमपी का सेकंड लेक्चर है आज। तो विधानसभा सीट दो सौ तीस, लोकसभा सीट 543। 543। अरे मध्य प्रदेश में पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश में, एमपी में 545, भारत में। मध्य सर 56। प्रदेश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 29 और राज्यसभा सीट वर्तमान में 11। तो अब ये बताओ, ये तो हो गया एमएलए, ये हो गया एमपी, ये भी एमपी, 230 ये क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, मिल जाएंगे तो, और ये क्या करेंगे? विधानसभा बनाएंगे। विधानसभा तो बनाते, विधानसभा में बैठते हैं ये, किसको, ये वोट किसको देते हैं, किसके चुनाव में वोट देते हैं? मुख्यमंत्री कौन बनाता है? मुख्यमंत्री डायरेक्ट शिवराज सिंह चौहान तुमसे वोट लेने आया था क्या कभी, कि बोलता है कि मुझे वोट दे दो? किसके लिए वोट मांगता है शिवराज सिंह चौहान आता है तुम्हारे यहाँ पे? सर विधायक शायद चुने जाते, विधायक तुम्हारे, को द्वारा वो सीएम चुना जाता है। हाँ, विधायक के द्वारा क्या सुना जाता है, सीएम चुना जाता है। वो विधायक के लिए, तुम भी जब भी तुम्हारे यहाँ पर आएगा ना कटनी या तुम्हारे नरसिंहपुर में, तो वो क्या करेगा, तुम्हारे विधायक को पहले खड़ा करेगा कि इसको वोट दो, ये अगर जीत के जाएगा, ये ज्यादा संख्या में जीत के जाएंगे तो मेरी सरकार बनेगी। मतलब ये 230 है, 230 का आधा कितना होता है, डिवाइड बाई टू, 115, 115 प्लस 1 कितने होगा, 116। अब 116 जिसकी सीट आ जाएंगी वो इसका क्या बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं, जिस भी पार्टी का जाए, चाहे वो कांग्रेस के जाए, चाहे बीजेपी के जाए, या अन्य के जाए, ये खेल है। तो ये तो बिना एमएलए के मिलकर बनाते हैं, साइलेंट कर लो, किसके यहां से आवाज आ रही, एमएलए के मिलकर बनाते हैं, एमएलए मिलकर बनाते हैं सीएम। तो जितने भी एमएलए जो रहेंगे 230 में से, मान लो हो सकता है किसी के 10 आ जाए, किसी के 15 आ जाए, किसी के 100 आ जाए, किसी के 150 आ जाए। इस बार लफड़ा क्या हुआ था सुनी, संसद
संसद मिलकर बनी होती है, लोकसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। तो जब ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनकी पावर और ज्यादा पावर, तो ये डायरेक्ट जो अपने विधायक वगैरह इनके अलग अलग चुनाव होते हैं, विधायक जो अपने जाते हैं हर राज्यों के, वो वोट देते हैं इनको विधायक, इनको सांसदों के स्केल इस यहाँ पर। तो ये भी क्या होते हैं, सांसद होते हैं, ये राज्यसभा में जाते हैं, अपने मध्य प्रदेश से कितने 11 जाते हैं, ये राज्य से कहीं, इनका जिला का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। हो सकता है कि कहीं का भी जा सकता है, मान लो कटनी का भी जा सकता है, मतलब मध्य प्रदेश से 11 लोग जाना है, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका 5 वर्ष होता है, इनका भी 5 वर्ष होता है, लेकिन इनका 6 वर्ष होता है। तुमने देखा होगा इनका चुनाव 5 साल में होता है, इनका चुनाव 5 साल में नहीं होता। इनका क्या होता है, हर 2 साल में 2/3 सदस्य रिटायर वो हो जाते हैं, इनका कार्यकाल खत्म हो जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं या जे भी रिपीट हो सकते हैं। तो ये अस्थायी है, कभी भिन्न नहीं होता, परमानेंट सदन है राज्यसभा। लोकसभा क्या होता है, ये हर 5 साल में या मेजोरिटी अगर मिल नहीं पा रही किसी प्रधानमंत्री को तो फिर से चुनाव हो जाते हैं वहां पे। विधानसभा भी ऐसा ही होता है। तो बात समझ में आएगी नहीं, थोड़ी बहुत आज समझ में आई होगी बहुत कुछ। सर सांसद जिले में एक रहता है या संभाग में? सांसद जिले में ऐसा कोई नहीं है। अब जैसे अगर हमारे बात करें नरसिंहपुर, होशंगाबाद और रायसेन, आधा आधा रायसेन होशंगाबाद, 2.5 जिले हैं उदय राव के अंडर में। तो ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, मिनिमम अपने यहाँ पर 2 से 2.5 जिले, 3 जिले भी हो जाते हैं। अब इसके अलावा मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मध्य प्रदेश का राज्यपाल नाम सुना है, आनंदी बेन करके है सर, आनंदी बेन पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, श्रीमती प्रथम राज्यपाल, ये आते हैं क्वेश्चन जैसे आते हैं ना वैसे बता रहा हूं। प्रथम प्रथम है डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर प्रथम राज्यपाल, पट्टाभी सीतारामैया, याद रख लेना 29वें नंबर के हैं, सबसे पहले राज्यपाल थे और सबसे छोटा कार्यकाल था इनका। मुख्यमंत्री कौन है अपने यहाँ के मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान प्रथम, प्रथम कौन थे नहीं पता, पंडित रवि शंकर शुक्ल, कुछ कुछ नामावली हैं
एक मंत्री मुख्यमंत्री को अपन बुलडोजर मंत्री के नाम से जानते हैं, उसका नाम पता है? बुलडोजर मंत्री किसको बोलते थे? बाबूलाल गौर। इनने ये जब बने थे अपने बाबूलाल गौर, इनने बहुत वो चलाए थे रोड वगैरह के, मतलब चौड़ा वगैरह करने के लिए बुलडोजर बहुत चलवाते थे। श्री बाबूलाल जी गौर बुलडोजर मंत्री। अच्छा, पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है मध्य प्रदेश में? नहीं पता? इंदिरा गांधी। उमा भारती। उमा भारती। इंदिरा गांधी कहां से होगी यार, तुम थोड़ा तो दिमाग लगाओ। सुश्री थी, सुश्री उमा भारती। ठीक है। जो रविशंकर शुक्ल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब उस टाइम ये मुख्यमंत्री थे। प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री राजा नरेंद्र चंद्र से हैं। प्रथम हरिजन सीएम। नरेश चंद्र सिंह। शिवराज सिंह चौहान कौन सी टाइम, मतलब कितनी बार बने मुख्यमंत्री, ये कौन सा टर्म है उनका? छठी बार है। छठी बार कहाँ से, नहीं चौथी बार है, तो फोर्थ टाइम बने। क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। सबसे कम कार्यकाल कौन से मुख्यमंत्री का था? अर्जुन सिंह का। सबसे कम कार्यकाल। पहले गैर कांग्रेसी सीएम, ऑब्वियसली जब देश स्वतंत्र हुआ था तो कांग्रेस के लोग ज्यादा बने थे पहले, उस टाइम पे कांग्रेस मेजोरिटी पार्टी में थी। श्री कैलाश जोशी। कैलाश जोशी जी। सबसे ज्यादा, सबसे कम तो मैंने, सबसे कम तो बता दिया, सबसे कम तो मैंने, देखो सबसे कम तो कार्यकाल बता दिया अर्जुन सिंह का। सबसे ज्यादा कार्यकाल कौन का है? शिवराज सिंह चौहान का। 15 साल से ऊपर हो गया शायद इनका। इंग्लिश पढ़े आप, इसके लिए इतना जीके का आज के लिए काफी है, रिवाइज कर लेना एक बार, अपन कर लेते हैं शुरू से, 2 मिनट लगेंगे उसमें, जल्दी याद होता है। विधानसभा में सीट है 230, लोकसभा में, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 29, राज्यसभा में 11। मध्य प्रदेश के
राज्यपाल अभी श्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे, वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान है। प्रथम सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। बाबूलाल जी गौर को बिल्डोजर मंत्री के नाम से जानते हैं। पहली महिला सीएम का नाम उमा भारती है। प्रथम हरिजन सीएम श्री राजा नरेश चंद्र सिंह जी हैं। फोर्थ टाइम बने शिवराज जी सीएम। सबसे कम कार्यकाल अर्जुन सिंह जी का रहा है। पहले गैर कांग्रेसी सीएम रहे हैं श्री कैलाश जी जोशी। ठीक है, तो जी के तो इतना पढ़ते जाना, रिवाइज कर लेना। अब आ जाओ कुछ इंग्लिश पढ़ते हैं।